जी जनाब, लव यू पाकिस्तान। जी सर, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है। तो आज आपका भाई मछली लेने आया हुआ था, तो मैंने कहा जो मेरे व्यूवर्स देखने वाले हैं उनको भी यार मछली की ना सैर कराते हैं, बाजार की, मछली बाजार की। ये देखिए काफ़ी सारी रेहड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं, ठीक है। और आपको आज जो सर्दियों के बाद, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो अभी लेटेस्ट जो प्राइस है वो भी आपको पूछ के बताते हैं कि इस टाइम इनकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है। सही है, तो मैं मछली भी लेने आया, मछली भी। और इनका बनाने का जो तरीका ना, वो भाई मुझे बता रहे थे ग्रिल मछली बनाने का जो असल तरीका ना, वो भी भाई बना के दिखाएंगे हमें, ठीक है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम पाजी। भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अरसलान। आप पंजाबी में बात करें, पंजाबी में कर ले, मैं उर्दू में करता रहूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये कब से काम कर रहे हैं आप मछली का? 5-6 साल हो गए भाई। 5-6 साल हो गए हैं। तो पहले तो आप मुझे ये मछलियों के नाम बताएं और अभी इनका रेट भी बताएं, जो अभी हाजिर वक्त रेट आजकल चल रहे हैं। प्यार मोहब्बत से बताने हैं, हमारे व्यूअर्स पूरी दुनिया में देख रहे होंगे, उनको पता होगा पाकिस्तान में इस समय रेट क्या चल रहा है मछली का, ठीक है। आप भाजी काला रहू जी, ये पीजे 700-800 ग्राम का, इधर रेट 480 रुपया। ओके हो गया, ठीक है। 900-950 ग्राम का वजन जी, इधर रेट जी 500। ओके, आ सवा किलो वाला इधर 580 रुपया जी। आ मली मछली है, कंडे दे चेक हुंदा जी। अच्छा, इधर आदी मछली जी। अच्छा, 550 जी। इसका वजन क्या होता है? इसका वजन है सवा किलो 550 रुपए के जी। जी अच्छा, आ डमरा ही काला रोवी कहा जांदा है इनु। अच्छा, ये 650 रुपए किलो जी, फुल प्यार वापस है जी, 650 रुपए, ठीक हो गया। ये देख ले जनाब, और इसका वजन क्या होगा? इसका वजन है सवा दो किलो, ठीक हो गया। तो अच्छा, इसकी ये भी आप बताओ यार हमारे देखने वाले को, जो इसकी निशानी है, जो ताजा मछली की निशानी क्या होती है? ताजा मछली विचो मछली ला लवे ते पाए ताजा होंदी जे। अच्छा, ते आ भी तरीका ये चेक करंदा विचो मछली रेड होवे। अच्छा जी, और बाकी स्मेल स्मूल नहीं आ रही होती? ये भी स्मेल हमेशा मच्छी सूंघ के लई दी है, ताकि वो स्मेल ना देखे, उसमें जो स्मेल आवे वो मच्छी खराब होंगी। ओके हो गया, ठीक। आपको कितना साल हो गया बेटा काम करते हुए? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए, सही हो गया। और जो आप कस्टमर को रिकमेंड करते हैं जो ग्रिल के लिए, वो कौन सी मछली आप करते हैं? होटल वाले जो आपसे, होटल वाले जो अक्सर होटलों में हम रिव्यू करते हैं मछली, वो 1 kg का पीस से थोड़ा सा ऊपर होता है, वो कौन सा था जो ज्यादातर होटल वाले आपसे लेके जाते हैं? डेढ़ किलो पीस होता है जी, 1.5 किलो वाला, ये वाला साफ, ये 1.5 किलो 1.5 किलो वाला जी। अच्छा, 1.5 किलो पीस है, साफ करके 1 किलो 1.25 किलो बच जाता है, यानी कि सफाई करके। अच्छा, ये टोटा पीस 1.25 किलो है, साफ करके 1 किलो बचना है जी, साफ ही। अच्छा अच्छा, ये वाला ठीक हो गया। और ये कितना बचना है? ये 2-2.5 किलो पीस, ये कितना बचना है? 1 किलो दी पाइए मच्छी कर दी, मच्छी का वजन 8 किलो का पीस हो, 1 किलो का हो, पाइए मछली करनी 1 किलो। अच्छा, सही हो गया, ठीक है, सही है। अच्छा, आज वो आप मुझे बता रहे थे ना ग्रिल असल मछली बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है, वो वाला आप तरीका बताएं हमारे नाजरीन को, जो असल लोग ग्रिल कहीं से करवाते हैं ना, वो सही नहीं करवाते, वो वाला आप हमें अभी तरीका बता रहे हैं। तो हमारे लिए मछलियाँ बनाए, तो ये वाली मछली आप ऐसे करें, 2 पीस मेरे लिए धोलें, वजन करें, फिर देखते हैं इसका क्या हिसाब था, ठीक है। बिल्कुल ताजा वाली देख रहे हैं, फ्रेश वाली जो अच्छी। ये देखे जनाब अभी भाई, आप अपना गुड नेम बताएं भाई। अरसलान में नाम, अरसलान भाई। ये देखे, ये जी आप भाई प्राइस भी लगाएं जनाब, यहाँ मछली का वजन है 2-2.25 किलो जी। अच्छा, 2 पीस। ओके, 550 रुपए लाता है, 1240 रुपए बंद है ये। अच्छा ठीक हो, ये देखे जनाब जो हमने 2 फिश करवाई है, और ये कितना वजन बना है? सवा दो किलो मतलब, ठीक है। और 550 रुपये उन्होंने लगाया, टोटल प्राइस कितना हो गया? 1240 रुपए की। ये 2 मछलियाँ देखें, बहुत प्यारी फ्रेश हैं, ठीक है। और ये अभी हमने ना अरसलान भाई ग्रिल के लिए बनवानी है, ठीक है। आप ग्रिल की कटिंग करके बताएं हमारे नाज़रीन, जो मेन है, मैं आपके पास आ जाता हूँ, ठीक है जी। ये देखें अब अरसलान भाई के पास आ गए हैं, तो ये ग्रिल हो रही है, ग्रिल के लिए वो बना रहे हैं, सही है। ये यंगस्टर है, देखे काम करने के लिए। अच्छा बेटा, आप ये बताओ, ये जो आप हर सर्दियों में ये काम करते हो? जी जी। तो आप ये शाम को कितनी दिहाड़ी बना लेते हो? अगर कोई भाई बिजनेस करना चाहे, घर में फर्क बैठा हुआ है जी, तो ये कहीं आपने काम नहीं सीखा था कि सीधे आके शुरू कर दिया था आपने? नहीं नहीं, काम सीखना पड़ता भाजी। पहले कितना साल सीखना पड़ता है? 2-3 साल भाजी काम करना पड़ता है मछली। अच्छा, फिर जाके मछली जा जाती है। तो वो 2-3 साल तो इनकम नहीं आती? नहीं भाजी। तो 2-3 साल खर्चा पानी पे आप काम करते हैं? हाँ जी, फिर खर्चा पानी देना मालिक। अच्छा अच्छा जी, सही। उसके बाद आप करते हैं जी, ठीक हो गया। तो अच्छा, ये अब ये ग्रिल का बनाने का ये तरीका, ग्रिल यानी पूरी आप बनाते हो? हाँ जी, ये साबुत पीस। अच्छा, साबुत पीस बनाते हैं, ठीक हो गया।
अच्छा कुछ लोग जो नमक ज्यादा लगवा लेते हैं जी जी, जो वहाँ नमक लगाते हैं और ये जवैन वगैरह, ये लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? अभी लगता है नजदीक घरों पर नहीं लगवानी चाहिए, लानी चाहिए ताकि मछली का अपना पानी निकल जाता है ये। अच्छा लेकिन ये भी है ना, वो जो इसका नमक है वो नमक अंदर सक कर लेती है, फिर नमकीन ज्यादा हो जाती है। नमक ज्यादा लगे फिर भाजी मच्छी तनु प्रॉब्लम कर दी है, नहीं तो नमक हल्का लगाईगा। अच्छा अच्छा नमक हल्का लगाते हैं, ठीक हो गया। ये देखें जनाब, ये अभी मैंने अपने व्यूअर्स को प्राइस भी बता दी है और ये भाई बना रहे हैं। ये देखिए बनाने का तरीका उनका, अच्छा यहाँ दरियाई मछली अक्सान भाई आती है कि नहीं? सच्ची बात बताएं, आपने कई सर्दियों में सेल की है दरियाई मछली? जी पाजी हैं की है जी। वो उसकी निशानी क्या होती है वो भी आप बताएं जरा हमारे व्यूअर्स को। केड़ी पाजी चाने तो बगैर मछली होती जे, ये हमेशा समुंदर दी या होती है दरिया दी फार्म की मछली पेंदी है। ये वाली जी, ये वाली कहां, ये वाली कहां से है? ये जो आप बगैर कंडे, ये कौन से इलाके की है? ये कराची की आती है। ये कराची की आ रही मल्ली, इसको मल्ली कहते हैं। अच्छा इसका नाम मल्ली, ये पंजाबी में मल्ली करते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं इसको? उर्दू च वेदा यही नाम जी। अच्छा ठीक हो गया, सही है। और ये दरियाई भी होती है मल्ली के? नहीं जी भाजी, ओरिजिनल दरिया दी है, ओरिजिनल दरिया दी। ये दरिया की है कि समुंदर की है? ये दरिया की है। दरिया की है, ठीक हो गया। यानी इसमें ये फार्मी, इससे फार्मी का इससे कोई तलक नहीं है? जी जी ऐसे ही है जी, सही है। और इसकी प्राइस तो आपने 550 रुपए बताया, बड़ी रीजनेबल प्राइस बताई आपने। ये भाजी जायका नहीं होता जी, इसका जायका नहीं होता जी? क्यों जायका क्यों नहीं होता इसका? मछली का जायका और ये जो ये कौन सी नस्ल की बना रहे हैं मछली, ये बताएं काइंडली? काला रोहू पाजी। काला रोहू, ठीक है। तो इसमें भी दरियाई आती है? जी पाजी आंदी जी, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं लाते, यही है ना मछली सेल करने वाले? जी पाजी फैसलाबाद आंदी, ज्यादातर रेट बहुत ज्यादा होता जी। अच्छा सही है, जे अगर कोई ऑर्डर तक है फिर उन्होंने मंगा दी थी मच्छी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका क्या रेट होता है? ये दा पाजी रेट केड़ा ना दरिया दी होंगी ये मच्छी काला रहू। हाँ ये दा पाजी रेट 1100-1200 रुपए किलो होता जी। 1100-1200 रुपए केजी होता है? वो पीस भी बड़े होते हैं कि छोटे नहीं होते ना वो? जी वो भी पीसा का हिसाब होता जी। नहीं पीस बड़े भी, मैंने सुना है जो दरियाई होती है वो बड़े पीस है, छोटे पीस भी होते हैं पाजी। केड़ी मच्छी होंगी ना खाने वाली, पीस 1.5-2 किलो वाला पीस बनाए, ज्यादा बड़ा बनवाएंगे ना तो उसके अंदर वो ना लज्जत होगी ना ही वो टेस्ट होगा, और वो आपके तकरीबन पैसे जाया ही जाएंगे जी जी। उसका फिर ये होता है वो एक्स्ट्रा वो चर्बी होती है जो खाने की समझ नहीं आती, तेल सा बना होता है जो वो व्हाइट व्हाइट कलर से समझ नहीं आती ये क्या चीज है, बंदा फिर सोचता पैसे जाया कर ले, पैसे जाया कर ले, ठीक हो गया सही जी। तो ये लहसुन का पानी भी आप लगाते हो कि नहीं लगाते? पाजी पानी उस मच्छी नु मारदा, कड़ी मच्छी खराब हो गई। अच्छा वैसे नहीं लगाते? सही नु पानी नहीं मारीदा। सही हो गया, सही है। अच्छा जी ठीक है, तैयार हो गई जी भाई। इसके बाद आप नमक लगाने लगाए? नमक क्या लगाते? ये वाला नमक? हाँ जी भाई, ये देखे जी, ये नमक जवैन जी। अच्छा ये जवैन कम और नमक ज्यादा है इसमें? जवैन दे छोटे पीस होते हैं ताणी नजर आते। अच्छा तो नमक के बड़े पीस होते हैं? हाँ जी यार यार। अच्छा चलो मान लेते हैं भाई, आपकी बात ही मान लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा कम लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा मेरे बता रहे लगा ले, हल्का सा लगाना, ज्यादा नहीं लगाना, ठीक जी? ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि मछली को नमक बिल्कुल कम लगवाएं, ज्यादा ना लगवाएं, वरना घर वाले भी नमक लगा अच्छी तरह फिर जाएगा। हाँ ज्यादा घर वाले भी नमक लगा लेते हैं तो बाद में वो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए। ये देखिए मछली लग गई है, ठीक है तैयार हो गई। अच्छा दरियाई की क्या निशानी होती है ये काइंडली मेरे नाज़िम को आखिरी बता दे, दरियाई मछली की निशानी रोहू की क्या होती है? दरियाई पाजी मछली बिल्कुल काली होती है, बिल्कुल ब्लैक होती है। वैसे तो वो रोहू पड़ा है, ये देखो आपके पास ये भी ब्लैक है, ये देखिए ये भी पड़ा है, ये भी ब्लैक है, ये देखिए ये भी तो ब्लैक ही है। ये पाजी हुंदा ब्लैक, ये पाले रोहू नहीं हुंदा, डमरा हुंदा। अच्छा डमरा होता है, काला हुंदा जी। अच्छा वो लंबाई में होती है जी, जो रोहू होता है वो लंबाई में होता है? नहीं लंबाई च नहीं, पीस हो भी इस तरह दे, और ज्यादा ब्लैक हुंदे रे दे नाल, बिल्कुल ब्लैक होते जी, बिल्कुल ब्लैक हुंदे। अच्छा इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि और भी कोई निशानी है? बस ब्लैक दी,
कही देख नबी बस ये मछली है, ये मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जब भी आपने मछली लेनी है ये देख सोच के और इस तरह बनवानी है, अगर ग्रिल बनवानी है ठीक है। तो इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगली वीडियो के साथ दोबारा आपको मिलूंगा, आप सबको अल्लाह खुश रखे, थैंक यू वेरी मच, लव यू पाकिस्तान।